हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ कला चना की रेसिपी, और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कीजिए। कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी भी बनके तैयार होती है, और दिखने में जितना लाजवाब है वो खाने में कई ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने कला चना ले लिया और इस चना को हमने प्रेशर कुकर में डालकर बहुत ही अच्छी तरह से उबाल कर ले लिया, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मैश भी हो रही है। तो एक कटोरी हमने कला चना ले लिया और उसके साथ ये उबले हुए आलू को भी हमने मैश कर ले लिया। तो दो आलू को हमने मैश कर ले लिया और उसके साथ ये एक प्याज को हमने बारीक काट लिया, एक टमाटर और हरी मिर्च को हमने ले लिया। सूखे मसाला में ये धनिया जीरा के पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला हमने ले लिया, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक हमने ले लिया, और यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले लिया और जार में हम ये कला चना को डाल दिया और इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट कर ले लेंगे। तो हमने पेस्ट कर ले लिया, ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट हो गई। तो देखिए, बहुत ही बारीक कर हमने पेस्ट कर ले लिया, और इसमें हम डाल देंगे ये उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू हम आधा ही डाल देंगे, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो एक आलू मैश किए हुए हमने डाल दिया और एक आलू हमने रख दिया, और यहाँ पर जो हमने टमाटर प्याज हरी मिर्च ले लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो इसमें और भी मनपसंद सब्ज़ियाँ भी डाल सकती हो, तो हमने सब्ज़ियाँ नहीं डाली, हमारे पास नहीं थी, तो जो थी वो हमने डाल दिया। तो इसमें हम जो सूखे मसाला ले लिया था वो भी हम डाल देंगे। तो सूखे मसाला बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट्स में हमने ले लिया, ज़्यादा मसाला नहीं है, घर में रहने वाला सबसे बेसिक मसाला ही हमने डाल दिया, और इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो अब चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हो, तो बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आएंगी। और 3 से 4 चम्मच मैदा भी डाल सकती हो, और वो भी नहीं डालना चाहती तो चावल के आटा 3 से 4 चम्मच फिर से अब डाल सकती हो, और वो भी नहीं है तो 2-3 चम्मच बेसन को भूनकर डाल दीजिए। तो हमने कुछ भी नहीं डाली, तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह हमने मिला लिया, और यहाँ पर हमने चकला ले लिया, चकला में ये फैला दिया और छुरी की मदद से हम इसी तरह काट लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो हमने कुछ भी नहीं डाली, ना कॉर्नफ्लोर, ना मैदा, ना चावल की आटा, ना बेसन, ऐसे ही बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने इसे चौकोर टुकड़े में काट कर ले लिया। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। तो इसी तरह हम सारे प्लेट में निकाल लेंगे एक एक कर। तो देखिए किस तरह से ये बन के तैयार हुए। तो इसी तरह सारे हमने प्लेट में निकाल लिया, और यहाँ पर हमने एक कटोरी ले लिया और उसमें 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया, और उसमें आधा कप के करीब हमने पानी भी डाल दिया, और इसका एक पतला घोल तैयार कर हमने ले लिया। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और लाल मिर्च हम थोड़ा सा डाल देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर डालने से इसके स्वाद और भी अच्छी हो जाती है। तो इसी घोल में हम ये डाल देंगे। तो डाल दिया, और इसे हम तेल में एक एक कर डाल देंगे। तो इसी तरह हम कॉर्नफ्लोर में पहले हम डुबा लेंगे, उसके बाद हमने इसी तरह पैन में डाल दिया। तो 2 मिनट हमने इसी तरह फ्राई कर ले लिया। तो हाई फ्लेम में ही हम फ्राई करेंगे, क्योंकि चना भी उबले हुए हैं, आलू भी उबले हुए हैं, सिर्फ हमें बाहर क्रिस्पी करना है। तो 4 से 5 मिनट के करीब हमने फ्राई कर ले लिया, और इसी तरह हमने निकाल लिया। तो ये बन के तैयार हुए। तो दूसरे भी हम इसी तरह फ्राई कर ले लेंगे। तो इसी तरह जो सारे हैं सारे हम फ्राई कर ले लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाती है, तेल भी बहुत ही कम लगती है, ज़्यादा तेल नहीं लगती, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार होती है। बहुत ही यमी टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होती है। तो इसी तरह हमने सारे फ्राई कर ले लिया। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और लाइक भी कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए। तो आपको नज़दीक से हम दिखा रही हूँ, देखने में जितना लजीज लग रही है, खाने में उससे कई ज़्यादा यमी है। आप ज़रूर इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नए नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।